आखिर तेरा पता चल ही गया नागिन, मैं आ गई हूँ। अब तुझे मेरे से कोई नहीं बचा पाएगा। जैसे ही लाइट जलती है तो सबकी आंखें शिवांशी को ढूंढती है। वो वही सीढ़ियों पर खड़ी होती है, तभी सबकी नजर दरवाजे पर जाती है, जहाँ संगीता की बहन और शिवांशी की मौसी रागिनी आती है और उसे देखकर संगीता उसके पास जाकर बोलती है, अरे दीदी आप कब आई? जब लाइट गई थी तभी, और वैसे भी मेरी प्यारी शिवांशी का जन्मदिन था तो मुझे तो आना ही था। बहुत अच्छा किया रागिनी मौसी, पता है सुबह से तो कोई रौनक ही नहीं थी। शिवांशी अपनी मौसी रागिनी से गले मिलती है तो उसको एक अजीब सा एहसास होता है और वो जल्दी से उनसे दूर होकर खुद से बोलती है, रागिनी मौसी से मिलकर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये वो नहीं कोई और है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। इस नागिन को पता तो नहीं चल गया कि मैं कौन हूँ। वैसे पता लगने की तो कोई बात नहीं है, रागिनी का रूप लेने से पहले मैंने उसकी सारी जानकारी अपने अंदर उतार ली थी, तो शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। आइए आइए साली साहिबा, मेरी बेटी के 20वें जन्मदिन पर आपका हार्दिक स्वागत है। देर से आई हैं आप, पर चलिए अब केक काटने ही जा रहे थे हम लोग। हाँ हाँ चलिए, चलो शिवांशी बेटा। जी मौसी चलिए। शिवांशी सबके साथ मिलकर केक कट करती है, लेकिन दूर खड़ा वरुण रागिनी को लगातार घूरता रहता है और अपने मन में बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस औरत से मेरा कोई रिश्ता है, बहुत जानी पहचानी सी वाइब आ रही है इससे, पर मैं तो आज से पहले इसे कभी मिला ही नहीं। शिवांशी सबको केक खिलाती है और जब वो वरुण के पास जाती है तो केक का एक पीस लेकर आती है और उससे बोलती है, लीजिए मिस्टर खड़ूस केक खाइए। मैं कोई मिस्टर खड़ूस नहीं हूँ। आपने अपना नाम तो बताया नहीं था, तो मेरे पास आपके लिए कोई और नाम नहीं था बुलाने के लिए, तो हाल फिलहाल आप इसी नाम से काम चला लीजिए मिस्टर खड़ूस। शिवांशी वरुण से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ आर्यन आता है और आकर बोलता है, इनका नाम है वरुण और मेरा आर्यन, हम दोनों भाई हैं। ओहो तुम तो दोनों ही एक जैसे हो, तुम्हें देखकर तो हर कोई कंफ्यूज हो जाता होगा कि वरुण कौन है और आर्यन कौन है। एग्जैक्टली लेकिन हम दोनों की हरकतें हम दोनों में अंतर बताती हैं। ये मेरा भाई है जो थोड़ा साइलेंट टाइप का है और मैं टेप रिकॉर्डर की तरह बजता रहता हूँ। आर्यन की इस बात पर वरुण उसको घूर कर देखता है और वो अपना मुंह बंद करते हुए बोलता है, उप्स सॉरी ब्रदर। वैसे इनके ऊपर तो मिस्टर खड़ूस ही ज्यादा जचता है। शिवांशी को उसकी माँ संगीता आवाज लगाकर अपने पास बुलाती है और वो वहाँ अपनी माँ और मौसी के पास जाकर बोलती है, हाँ माँ बोलिए क्या हुआ? बेटा कल तेरी मौसी को उस जंगल वाले मंदिर ले जाइयो दर्शन के लिए, ठीक है? अच्छा ठीक है मैं ले जाऊंगी। कल मैं अपने शक को यकीन में बदलूंगी कि तू ही है वो नागिन जिसको मैं पिछले 20 साल से ढूंढ रही हूँ। शिवांशी जन्मदिन के अगले दिन सुबह उठकर अपनी मौसी रागिनी के साथ कार से जंगलों वाले मंदिर के लिए निकल जाती है और जंगल के पास अपनी कार से उतरकर उनसे बोलती है, यहाँ से हमको पैदल ही जाना होगा क्योंकि गाड़ी आगे नहीं जा सकती। कोई नहीं बेटा चल चलते हैं। वैसे मौसी आपको मंदिर क्यों जाना है? बेटा मैंने एक चीज को पाने के लिए मन्नत मांगी है और सुना है कि इस मंदिर में हर मनोकामना पूरी होती है, तो बस मैं भी आ गई अपनी झोली फैलाने। हाँ ये तो है, ये भोलेनाथ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ भोलेनाथ स्वयं आते हैं दुष्टों का संहार करने के लिए। अच्छा चलो देखते हैं आज तुम्हारे भोलेनाथ की महिमा, तुम आगे चलो मैं आती हूँ। ठीक है मौसी, इसी रास्ते से सीधे आते रहना, मैं धीरे धीरे चल रही। रागिनी किसी बहाने से शिवांशी से अलग होकर एक पेड़ के पीछे जाती है और वहाँ से शिवांशी पर नजर रखते हुए बोलती है, अभी पता लगाती हूँ कि तू नागिन है या नहीं, मेरे भेजे असुरों से बचने के लिए तुझे अपने नागिन रूप में आना ही पड़ेगा। रागिनी आंखें बंद करके मंत्रों का उच्चारण शुरू करती है और पल भर में ही शिवांशी के आसपास बहुत सारे काले कौवे आकर उस पर चोंच से हमला करने लगते हैं। ये देखकर शिवांशी घबरा कर बोलती है, हे भोलेनाथ ये इतने सारे कौवे कहाँ से आ गए, हटो हटो यहाँ से। कौवे शिवांशी को घायल करने लगते हैं। ये देखकर रागिनी छुप कर देखते हुए बोलती है, नागिन बदल अपना रूप, आपने असली अवतार में
आखिर आज अपनी आंखों से देख कर रहूंगी कि तेरा असली रूप क्या है। शिवांशी को जब कौए के चोट से घायल होने पर दर्द होना शुरू होता है तो वो थोड़ा गुस्से में आकर बोलती है, क्यों तुम सब अपनी मौत को दावत दे रहे हो? अगर जान प्यारी है तो दूर हट जाओ, वरना एक एक को जलाकर राख कर दूंगी। एक तरफ शिवांशी पर ये अनजाने खतरे ने हमला किया तो दूसरी तरफ वरुण अपने होटल रूम में बैठा शिवांशी के बारे में सोच रहा था। वो जब अपनी आंखें बंद करता तो उसकी आंखों के सामने सिर्फ शिवांशी का चेहरा आने लगता है। ये सोचकर वो खुद से बोलता है, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? आखिर क्यों उसका चेहरा मेरे ख्यालों से जा नहीं रहा? वरुण के दिल में शिवांशी की मासूमियत और खूबसूरती घर कर गई थी। दूसरी तरफ कौओं के वार से घायल होने पर अब शिवांशी का गुस्सा सातवें आसमान पर आता है, जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद करके बोलती है, बहुत हो गया, अब तुम्हें अपनी मौत को गले लगाने का इतना ही शौक है तो ठीक है, वार के लिए तैयार हो जाओ। शिवांशी अपने विशाल नागिन रूप में आकर अपनी आंखें खोलती है और गुस्से में भरी उन कौओं की तरफ देखकर बोलती है, लोगों ने आज एक नागिन से पंगा लिया है और हो ना हो तुम जरूर उन राक्षसों के द्वारा भेजे हुए पक्षी हो, और आज तुम्हारी मौत उनके लिए भी एक चेतावनी होगी कि जिसे वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो कोई आम नागिन नहीं बल्कि एक सर्वशक्तिशाली इच्छाधारी नागिन शिवांशी है। शिवांशी अपने मुँह से अग्नि वार करके अपने आसपास मंडरा रहे सभी कौओं को एक पल में जलाकर भस्म कर देती है और साथ ही अपनी शक्तियों से अपने शरीर पर हुए जख्मों को भी ठीक कर लेती है और वापस अपने इंसानी रूप में आ जाती है। ये सब देख रही रागिनी डर से कांपते हुए बोलती है, ये नागिन तो मेरी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली और विशाल है, इसको मारने का कोई और रास्ता देखना होगा, उससे पहले इसको ये ना पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, जल्दी से इसके पास जाती हूँ। रागिनी जल्दी से शिवांशी के पास आती है और दोनों मिलकर भोलेनाथ के मंदिर में माथा टेकते हैं, जिसके बाद मन ही मन में शिवांशी बोलती है, आखिर इस हमले के पीछे कौन था? मुझे पता लगाना पड़ेगा, कहीं राक्षसों को पता तो नहीं लग गया कि मैं यहाँ पर हूँ। अगर ऐसा है तो नागमणि खतरे में है, पर मेरे होते हुए नागमणि उन्हें कभी नहीं मिलेगी, ना ही वो मुझे कोई नुकसान पहुँचा पाएंगे। चलें बेटा घर। जी चलिए। शिवांशी रागिनी के साथ घर आती है। वहीं दूसरी तरफ वरुण को ख्यालों में खोया हुआ देखकर आर्यन उसके पास आकर बोलता है, क्या हुआ भाई, किसके ख्यालों में खोया हुआ है? कहीं तुझे प्यार तो नहीं हो गया? मैंने तेरे से कहा है ना, मेरे से ऐसे लहजे में बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ कर लो आप बेगुस्सा, माँ पापा तो है नहीं और दादी ने कभी बचपन से प्यार दिया नहीं मेरे को, बस ताने ही मारे हैं हमेशा। एक आप ही हो मेरे पास अपना कहने को, लेकिन शायद आपको भी मैं पसंद ही नहीं हूँ। ठीक है चला जाता हूँ मैं। चुपचाप बैठ यहाँ, और तुझे कितनी बार बोला है उस बुढ़िया की बात मत किया कर। अरे बचपन में उसकी खरी खोटी इसलिए सुनते थे कि कोई और चारा ही नहीं था हमारे पास, पर अब हम बिहार के फेमस डेकोरेटर हैं और यहाँ भी हम अपने काम से ही आए हैं, इसीलिए फालतू चीजों पर ध्यान मत दे, कल पेमेंट लेकर हम वापस जाएंगे। वापस? यार अगर वापस चला जाऊंगा तो शिवांशी से कैसे मिलूंगा? और जब से उसको देखा है ना, मेरा मन ही नहीं कर रहा उसे घर से जाने का, और भाई ये शहर छोड़ के जाने की बात कर रहा है। हे भगवान कुछ तो ऐसा करो कि हम यहीं रुक जाएं। आर्यन के दिल में भी शिवांशी के लिए जज्बात थे, लेकिन क्या इन दोनों भाइयों के दिल का एक ही लड़की के लिए धड़कना कोई बड़ी जंग का कारण बनेगा, ये तो आगे ही पता लगेगा। लेकिन अब रागिनी शिवांशी की शक्तियों को देखते हुए घनी अंधेरी रात में घर की छत पर मोमबत्तियां जलाकर एक घेरा बनाकर उसके बीच में बैठी मंत्रों का उच्चारण करके किसी को आने का संदेशा भेजते हुए बोलती है, तुमको आना ही होगा, इस नागिन को ना मैं अकेले हरा सकती हूँ और ना तुम, इसलिए बरसों की दुश्मनी को भुलाकर हमें एक होना ही होगा, आ जाओ। आखिर किसको बुला रही है रागिनी? क्या वरुण और आर्यन की शिवांशी के लिए एक जैसी भावनाएं बनाएंगी दोनों भाइयों के बीच में दीवार? जानने के लिए बने रहिए कहानी के अगले भाग के साथ, और हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें।